हिसाब से एक इंसान कितनी चीजों में मास्टर हो सकता है, दो चार या फिर छह। आज मैं एक ऐसे इंजीनियर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इतने विषयों की मास्टरी हासिल की थी जिनके स्कूल में पढ़ी जा सकी हो और ना ही कॉलेजों में पढ़ाई जा सकी हो। और ये एक बात ये भी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इतना बताने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, द ग्रेट महान लोगों में लिखने जाने वाले लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस के 25 मील दूर विंची ग्राम में हुई थी और इनका नाम इसी शहर पे लियोनार्डो दा विंची पड़ा। और इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और यह अपने माता पिता के अवैध पुत्र थे। और इनके माता पिता के हमें कोई खास जानकारी नहीं, यह बस जानकारी है कि उनकी माता ने उनके बाद एक भवन निर्माता से शादी कर ली थी और अपने बच्चे को अपने माता पिता मतलब उनके नानी नाना के हवाले छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उनकी देखभाल उनके चाची चाचा ने की लियोनार्डो दा, जिसके बाद उनको 14 साल की उम्र में उनकी चित्रकारी कलाकारी देखते हुए इनके चाची चाचा ने इनको उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार और स्वर्णकार एंड्रे दिल के पास भेज दिया और उन्होंने वहाँ पर उनकी बहुत सारी चित्रकला प्राप्त की। और उनके बारे में और भी फैक्ट बताना चाहते हैं इसीलिए लाइक शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो वाइज पूरी जरूर देखना। उनके बारे में नंबर एक, लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लिया करते थे और वह दोनों हाथों से लिख लिया करते थे। लेकिन वह हैरानी की बात यह है कि वह एक ही टाइम पर मतलब एक ही साथ एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग बना सकते थे। अपने पास ये शक्ति होती तो क्या बात होती, एक हाथ से इस सब्जेक्ट का काम पूरा चल रहा, एक हाथ से उस सब्जेक्ट का काम मस्त होता। और दा विंची की बात यह भी प्रसिद्ध है कि दा विंची बड़े ही आसानी से एक अक्षर को उल्टा करके लिख सकते थे जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है, मतलब एकदम शब्द का उल्टा शब्द। अगर किसी को भी दा विंची का शब्द पढ़ना होता था तो उन्हें उस शब्द को शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था, तभी वो आसानी से वह शब्द पढ़ सकते थे। और कहा जाता है कि दा विंची यह शब्द इसलिए लिखा करते थे क्योंकि वो अपनी बात को राज रखना चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दा विंची ज्यादातर दा विंची का लेख सब में इसी पर लिखा है, सब मिरर राइटिंग पर लिखा है। और दा विंची 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक्स कोडेक्स एवर्स को $30 million में खरीदा था। यह लियोनार्डो दा विंची की साइंटिफिक कलेक्शन है, इसमें भी दा विंची की मिरर राइटिंग में लिखा गया। और बिल गेट्स ने यह खरीदने के बाद बिल गेट्स ने इस विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। समझ रहे भाई, दिमाग अलग लेवल पर ले गए हैं मतलब दिमाग ही और दौरान से अपना बिजनेस शेप कर लिया। पता है कि दा विंची ह्यूमंस स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान में जाकर सौ निकाल लाया करते थे और अपने जैसे लोग जाए तो हैरान थे उसको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने 300 निकाल लिए थे, 300 मतलब 15 साल पहले दा विंची मतलब इंसानों का इनर बॉडी पार्ट्स का चित्र बनाया था, ये महात्मा का चित्र बना दिया था। दा विंची ने दा विंची के दो पेंटिंग काफी फेमस है, शायद आप लोग जान ही गए। मोनालिसा को कौन नहीं जानता है, मैंने पहले बता दिया था, आप लोग शायद जान ही गए होंगे। और उनकी दूसरी पेंटिंग जानते हैं लेकिन इसके बारे में भी जानते हैं लोग लेकिन थोड़ा कम ही जानते हैं मोनालिसा से। दूसरी पेंटिंग जिनकी द लास्ट सफर, जिसमें दा विंची ने जीसस को सूर्य चढ़ने से पहले उनके आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है और यह पेंटिंग में बहुत ही फेमस है। दा विंची की हैरान करने वाली बात ये भी कि दा विंची ने अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। अगर वो अपने काम पूरा कर पाते तो आज दुनिया का नक्शा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि दा विंची ने 16वीं सदी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे, जैसे कि हेलीकॉप्टर, पैरासूट, एयरप्लेन और टैंक जैसे बड़ी बड़ी इवेंट करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में ही कई चीज़ों की डिज़ाइन कर ली थी, अगर वो अभी तक होते तो ये पता नहीं कब खोज लिए जाते। दा विंची को जानवरों से बहुत अधिक प्यार था, वे शाकाहारी थे और वे ज्यादातर जानवरों को हटा नहीं देते, लोगों को मना करते थे और उन्होंने बाजारों में जाकर सिर्फ जानवरों को इसलिए खरीद लिया करते थे जिससे वो अपने जानवरों को बाहर छोड़ सके, जिससे वो जानवर आजाद जिंदगी अपनी जी सके। दा विंची ही थे जिन्होंने हमें आकाश में बताया कि नीला रंग की होता है। उन्होंने बताया कि आकाश में नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि आई ऐसा किस इसलिए होता है क्योंकि हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देता है और नीला रंग अन्य रंग के कंपैरिजन में ज्यादा फैलता है, यही वजह है कि दिन में आकाश का रंग नीला होता है। दा विंची के आखिरी शब्द थे कि मैं भगवान
था तो शायद उतना नहीं कर पाया। और मैं ये कहने के बाद उन्होंने 1919 को फ्रांस से अपना शरीर त्याग किया और यह इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी और अभी तक देख रहे हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।